फोटो मत ले। नीचे बैठ जाओ। क्या वाइट क्या दे रहे हैं सब? ये सब सस्पेक्ट है, सबको पकड़ने आया हूँ मैं। अभी पता चल जाएगा दो घंटे में कि कौन है, खूनी कौन है। किस तरह से फीलिंग रही आपकी काम करते हुए सुमित्र जी के साथ डायरेक्टर? नो, इट्स बीन वेरी नाइस एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ हिम, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली दिस पिक्चर गॉट अ लिटिल स्टक फॉर फ्यू मंथ्स बिकॉज द प्रोड्यूसर पास्ड अवे, बट थैंक्स टू द डायरेक्टर, हिज पैशन फॉर द फिल्म एंड टू रिलीज इट Today we are seeing this day, so I'm very, very happy. Well, as an actor, when you do a film, you give your best shot and you just hope कि जैसी हाल ही में मेरी मर्डर मुबारक लगी या मेरी क्रिसमस लगी, I'm sure कि people will like my work in this and they like the film also. Well, preparation, yeah, it was interesting to be on the other side. Madam Mubarak mein main suspect tha, yahan pe main investigation officer hu, so something different to do here. Any more projects you want to speak about, like to aapke aage ki? Right now it's only about House of Lights. अच्छा अच्छा लग रहा है जी। हाँ, सौमित्र एंड आई थिंक यू नो स्टार्टेड माय करियर टुगेदर एंड आई रिमेम्बर तब सोम यू नो यूज टू असिस्ट अ डायरेक्टर एंड बहुत अच्छा लग रहा है। सौमित्र हैज़ डन रियली रियली वेल एंड आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट द एंटायर कास्ट एंड द क्रू ऑफ हाउस ऑफ लाइट्स। मैंने एक्चुअली अभी ट्रेलर देखा है एंड बहुत अच्छा लग रहा है ट्रेलर, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच द एंटायर शो। थैंक यू। Thank you.
सौमित्र के साथ एक बहुत प्यारी फिल्म की थी द वॉलेट. उसके बाद से सौमित्र की जर्नी देख रहे हैं, बहुत खूबसूरत और बहुत ही इम्प्रेसिव जर्नी है. एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट. आई एम श्योर बहुत अच्छी फिल्म होगी ये. थैंक यू. हाँ जी, बहुत सारा काम किया है काफ़ी समय से. और कुछ फिल्में हैं जो इस साल रिलीज होंगी. लास्ट ईयर शूट किया था, इस साल रिलीज होंगी. थैंक यू. थैंक यू. इस वक्त तो बहुत डरी हुई हूँ, पर बहुत एक्साइटेड भी हूँ कि इस मोड़ पे 20 साल बाद मैं वापस आ रही हूँ. और किरदार भी सौमित्र ने इतना अच्छा लिखा है और डायरेक्ट किया है कि आपको भी मज़ा आएगा, मुझे निभाने में भी बहुत मज़ा आएगा. संजय कपूर जी इज टू मच फन. मतलब ही इज़ ऑलवेज स्माइलिंग एंड ही इज़ ऑलवेज मेकिंग एवरी वन फील कम्फर्टेबल. तो मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि उनके साथ काम करने का, ऋतुराज जी के साथ काम करने का और इस फुल यूनिट के साथ काम करने का मौका हमें तब मिला जब लोग काम नहीं कर रहे थे कोविड के वक्त. आज मैं ये कहना चाहूंगा कि सिमरन और सोम ने क्या काम किया. इससे अच्छा काम किसी का नहीं है और मजा आ गया. नो बट जोक्स अपार्ट, नॉट जस्ट बिकॉज आई नो देम, मैंने ट्रेलर देखा, मुझे बहुत स्लिक लगा. मुझे थ्रिल जो आया वो डायरेक्शन में से निकल के आया. एंड द राइटिंग इज अमेजिंग. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द फिल्म एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि कितने अच्छे से ये बनी है, मैं जानना चाहता हूँ. एंड Z5 पे मेरी खुद की फिल्म आ चुकी है, सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस. आप ही को बुलाऊंगा, सब बता दूंगा. बस आई एम हेयर टू सपोर्ट माई फ्रेंड सिमरन, जिन्होंने बहुत अच्छा किरदार किया है मूवी में. लेट्स सी, मूवी के बाद हम आपको अच्छे रिव्यूज देंगे. थैंक यू. हाँ जी, सो मैं बस इतना कहना चाहूँगी, सोम को मुझे जाने में आई थिंक 2.5-3 साल हो चुके हैं. एंड नाउ इज़ अ बिग मैन, इज़ अ बिट एक्सपेंसिव, सो आई एम सो हैप्पी फॉर हिम. मैं बस इतना जानती हूँ वो बहुत मेहनती है एंड ये तो होना ही था एक दिन. सो आई जस्ट विश हिम बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच दिस मूवी विच इज़ अल्टीमेटली अ ब्लॉकबस्टर. आई नो दैट. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. Hi, thank you.
फर्स्टली मैंने ट्रेलर देख लिया ऑलरेडी एंड द ट्रेलर इज सो गुड सो कैप्टिवेटिंग. मेरा पर्सनली बहुत फेवरेट जॉनर है जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन हो और बहुत कुछ हो. और संजय कपूर सर की यू नो इट्स हिज यू नो फिल्म सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू वॉच. ऑल्सो माई फ्रेंड सौमित्र ही इज डायरेक्टेड द फिल्म एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम. मैंने उसका प्रीवियस काम देखा हुआ है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ एंड आई एम डेफिनेटली श्योर दैट इज गोइंग टू बी अ बिग हिट. थैंक यू. अच्छा इस पे भी ये हमारी शूटिंग की कुर्सी है. हमारी फेमस हो गया. थैंक यू. आज साइन ये आपका प्रीवियस वही है हाउस ऑफ फ्लाइज. आप क्या मिले है क्या एक्सपेक्टेशन है? यार मैंने सीख लिया है कि एक्सपेक्टेशन ज़्यादा मत रखो क्योंकि फिल्म बहुत इंटरेस्टिंग बनी है. हमने काफ़ी टाइम पहले थोड़े टाइम पहले एक्चुअली शूट की थी तो लेट हो गई. बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म है. बहुत सौमित्र ने बहुत अच्छा काम किया है एज अ डायरेक्टर. सब ने एक्चुअली बहुत अच्छा काम किया है. संजय सर इज है एक्साइटमेंट है कि फाइनली यू नो एक फिल्म रिलीज होती है हमारी. एंड एक्सपेक्टेशन की जहाँ तक बात है आई होप ऑडियंसेस को अच्छी लगे. बहुत मेहनत करके फिल्म बनाई. हर फिल्म मेहनत से ही बनती है बट थोड़ी सी डिफरेंट है. थोड़ी यू नो इंट्रीगिंग है इंटरेस्टिंग है तो होपफुली इट विल बी वेरी गुड एंड ऑडियंस विल एक्सेप्ट. थैंक यू. डायरेक्टर की बहुत अच्छी फोटो लेना बहुत जरूरी है. हमारे डायरेक्टर की ये कोई हीरो से कम नहीं है. ये कोई हीरो से कम नहीं है. हमारे डायरेक्टर आज भाई आज सब बात करते हैं. वीडियो के लिए आज लेसी कर रहे हैं. सेंटर में देखिए. अच्छा बड़ी छलांग आपने लगाई है. संजय कूल है साथ में. क्या कहना चाहेंगे? छलांग तो मैंने बहुत पहले फिल्म में लगाती थी नसीर साहब के साथ द वॉलेट.
और डॉक्यूमेंट्री मैंने एक ही बनाई, और ये मेरी पहली टेक्निकली पहली फीचर फिल्म है जिसमें मैंने बहुत मेहनत करी है, और आज काफ़ी समय बाद ये फिल्म रिलीज़ हो रही है Z5 पे, और सभी एक्टर्स, सभी टेक्नीशियंस, सभी HODs, संजय सर, यहाँ की जो हमारे प्रोड्यूसर साहब जो थे अजय कुमार गुप्ता जी वो अब नहीं रहे, मेरी माँ और ऋतुराज जी, सबका सपोर्ट है, सबका आशीर्वाद, सबका प्यार है, एंड आप लोग का भी है, मीडिया का भी है, रितेश जी का स्पेशली है, बस मेहनत है, आप लोग देखिए बताइए रंग लाए कि नहीं। जी जी अच्छा, मुझे लगा मैं ऑलरेडी हूँ मैं हूँ पता नहीं सर, मैं अपना काम कर रहा हूँ, अच्छे से कर रहा हूँ, अब लोगों को पसंद आएगी तो अच्छी बात है, नहीं आएगी तो फिर कोशिश करूँगा। संजय सर का मैं बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, वो एक मतलब बाकी भी हैं लोग, बट संजय सर ने हमेशा सपोर्ट किया है, अपडेट लिया है, और कोशिश भी करी है कि फिल्म एक अच्छी जगह जाए, अच्छे लोगों के पास पहुँचे और लोग देखें, एंड लाइक बड़े भाई जैसे उन्होंने मेरी हेल्प करी। यार टर्न्स एंड ट्विस्ट है फिल्म में, और कमर्शियल फिल्म है, और मर्डर मिस्ट्री है कि एल्बर्ट पिंटो को किसने मारा, तो देखिए कि उसी घर में, एक ही घर में इतने लोग हैं जो सस्पेक्ट्स हैं, लेकिन हम बता नहीं सकते कौन है, तो प्लीज़ Z5 पे 31 मई को फिल्म देखिए आप लोग। थैंक यू। पोस्टर बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, मैंने फिल्म देखी नहीं है, बट आई ट्रूली बिलीव इन सौमित्रा द डायरेक्टर, उनके साथ मैंने पहले काम किया, एंड आई थिंक ही इज़ अ वेरी थॉटफुल डायरेक्टर, तो अच्छा ही बना होगा। आई एम ऑल्सो सीइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, सो आई थिंक ऑल द बेस्ट टू हिम। ऑफ कोर्स आई एम वेरी एक्साइटेड, बिकॉज आज इन टुडेज डे एंड एज अभी फिल्म बनाना ही बहुत मुश्किल है, और फिल्म बना के वो रिलीज़ कर रहा है, इट्स अ वेरी बिग थिंग, एंड आई थिंक एवरी वन शुड सपोर्ट हिम, आई एम हियर टू सपोर्ट हिम, दैट्स ऑल, थैंक यू। मैंने बोला था तो फिल्म का म्यूजिक का दारा वगैरह हम लोगों को
हो गया अब लेफ्ट अब एक एक करके आओ मेरे साथ खड़े हो जाओ एक एक करके आओ इधर ही बैठ जाऊं मैं यार बहुत शिद्दत से देखने आया हूँ ताकि टाइम पे पहुंच गया हूँ इसलिए आप सबका वेट करते करते और लेबल तो मैं ही संभाल लेता हूँ किसका कौन सा दिख रहा है भाई देख लो हाँ बहुत जगह नहीं छोड़ी बट हाँ आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू हाउस ऑफ लाइज सौमित्रा की फिल्म है एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड आई हर्ड बहुत अच्छी बातें सुनी है मैंने तो अब तो देखने के बाद आप सबसे मुलाकात होगी तो बताऊँगा कैसी Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.
डेफिनेटली बहुत एक्साइटेड हूँ और बहुत मेहनत की हम सब लोगों ने, ऐसा ऐसा फील करके काम किया कि जैसे हमारी अपनी ये एक फिल्म है. मेरा कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग था. आई एम प्लेइंग इन ईडी और थोड़ा थोड़ा जैसा मेरा और संजय का टिप है फिल्म में. एंड इट हैज़ बीन अ ग्रीन जर्नी एंड आई लव वर्किंग विद दिस डायरेक्टर. ही इज़ अमेजिंग. मतलब इतना स्मूथली सारा काम हो गया और बड़ा मज़ा आया. आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड. संजय वेरी कम्फर्टेबल. मतलब मेरे ज़्यादातर सीन्स संजय के साथ ही थे और बहुत कम्फर्टेबल. मतलब ऐसे लगा नहीं कि मतलब वे वर्किंग विद अ सेलिब्रिटी, तो बहुत कम्फर्टेबल उन्होंने फील करवाया. हम लोग सीन्स क्रिएट करते थे साथ में और अब ऐसे करना है वैसे करना है, तो मतलब बहुत अच्छा और स्मूथली सारा का सारा निकल गया और बहुत अच्छा काम हुआ है. I'm very excited. First of all, it's Sanjay sir's film and we have a web series coming up. So, you know, working with Sanjay sir, having him in our web series, it was a wonderful opportunity. So I'm very excited to see this film as well. Thank you so much. Thank you.
देखिए, अगर मैंने सस्पेक्ट बता दिया तो पूरी फिल्म का मकसद ही ख़त्म हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ हैं, आई होप आप सब फिल्म देखेंगे, और जितना सस्पेंस हम सबको था कि सस्पेक्ट कौन है, उतना ही आपको भी होगा कि सस्पेक्ट आखिर है कौन। पता नहीं, ये भी हो सकता है, मैं भी हो सकता, कोई भी हो सकता है। बहुत मज़ा आया एक्चुअली। यंग डायरेक्टर्स के साथ काम करने का बड़ा एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है, बिकॉज वो एक कोलैबोरेटिव अप्रोच के साथ काम करते हैं, और सौमित्र की वो बहुत अच्छी बात है कि कोलैबोरेटिव अप्रोच में हमने काम किया। इनफैक्ट हमने ये फिल्म कोविड के दौरान शूट की थी, और उसके बावजूद भी, सारी मुश्किलों के बाद भी, एकदम एज अ फैमिली हम सब ने इस पर काम किया। एंड आई एम सो हैप्पी दैट द फिल्म इज़ रिलीजिंग। थैंक यू। दिनेश जी सही जगह है। जो हाउस ऑफ लाइव्स फिल्म है वो हमारी कंपनी सेबरे पिक्चर्स एज ए प्रेजेंटर है। हमारी कंपनी ने इसको G5 को हमारी कंपनी के थ्रू फिल्म डिस्ट्रीब्यूट हुई है। हम चाह रहे हैं इसका प्रमोशन डिजिटली ऐसा हो कि प्योर ऑडियंस तक पहुंचे और वो रीच मिले जो कंटेंट में डम है उसको। मेरी कंपनी है सेबरे पिक्चर्स, 2012 से फिल्म प्रोडक्शन हाउस एंड डिस्ट्रीब्यूशन हाउस है। हम फिल्में प्रोड्यूस भी करते हैं लाइक टू गुजराती एंड हिंदी फिल्म्स, एंड डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं ऑल OTTs एंड थिएटरिकल डिस्ट्रीब्यूशन लाइक टू नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, जियो सिनेमा, Zee5 VTC। थैंक यू सो मच। थैंक यू।